नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट दीपावली का पर्व बस अब आने को है और उसके ठीक दो दिन पहले धनतेरस मनाते हैं धनतेरस यानी तेरह गुना ज्यादा बरकत वाला दिन इस बार चूंकि धनतेरस दो नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं धन के देवता कुबेर जी महाराज माँ लक्ष्मी धनवंतरी और यमराज की पूजा करने का विधान है धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और यह उदय व्यापनी त्रयोदशी इनका नाम भी है इस त्रयोदशी को उदय व्यापनी त्रयोदशी कहते हैं और इस त्रयोदशी तिथि पर सूर्य उदय के साथ शुरू होता है तो धनतेरस मनाई जाती है क्योंकि धनतेरस के दिन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद तीन मुहूर्त में यमराज की दीपदान किए जाएंगे अगर दोनों दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल को स्पर्श करती है या नहीं करती है तो दोनों स्थिति में दीपदान दूसरे दिन किया जाता है तो ऐसे में इस दिन सोने चांदी के बर्तन धातु के बर्तन सोने चांदी के सिक्के लाना सबसे शुभ माना जाता है हालांकि हर कोई इतना महंगा सोना चांदी नहीं खरीद सकता इसलिए आप छोटा सा काम करें कि इस दिन आप एक धातु का छोटा सा बर्तन ही सही पर लाइएगा जरूर पर यह बर्तन खाली मत लाइएगा इसमें कुछ डाल कर लाएं भर कर लाएं अनाज भरे तो ज़्यादा अच्छा वैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं इनसे आप चाहें तो पूजा के लिए खील बतासे जो खरीदे हैं आपने वही उसमें भर कर ले आए घर में धन की कमी नहीं रहेगी पूरे साल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वैसे तो इस धनतेरस पर लोग जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते वो पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं उसमें कुछ मीठा या चावल भरकर लाइए ऐसा शुभ माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धनवंतरी का अवतरण हुआ था तो अपने दोनों हाथों में से एक हाथ में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे और उनके बाकी हाथों में संघ चक्र औषधि थे इस लिहाज से बर्तन पीतल का खरीदना सबसे शुभ झाड़ू जो लक्ष्मी का ही स्वरूप है मान्यता है धनतेरस के दिन झाड़ू को घर लाने से स्वयं लक्ष्मी घर आती हैं और झाड़ू से हम अपने घरों की साफ सफाई भी करते हैं घर की सारी नकारात्मकता भी दूर करते हैं इसी कारण झाड़ू का ज्यादा महत्व है धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जरूर खरीदनी चाहिए और कुछ ऐसी हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए लेकिन माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है जो आपको खरीदने से पूरे साल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा धन की मुश्किलें दूर होंगी और यहाँ तक कि रोजी रोजगार की समस्या भी समाप्त हो जाएगी तो धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और धनवंतरी देव जो हैं वो देवताओं के वैध हैं अब इसी वजह से धनतेरस के दिन आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे आरोग्य की प्राप्ति हो तब भगवान धनवंतरी की उपासना जरूर करें अगर आपके घर में तस्वीर नहीं है कुबेर जी महाराज का धनवंतरी जी का तो आप फ़ोटो ला सकते हैं नहीं तो आप अभी तो मैगजीन वगैरह में भी आपको मिल जाता है तो कट करके भी रख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप खरीदें ही हर किसी के अलग अलग तरीके की हम पॉकेट का बात कर रहे हैं क्योंकि हर किसी का पॉकेट ये अलाउ नहीं करता कि सब कुछ खरीद के ही रखा जाए ठीक है आप वैसा भी कर सकते हैं या सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से भी आप पूजा कर सकते हैं बस आप पूजा पाठ कर लीजिए उनके नाम से जरूरी नहीं है कि उनकी मूर्ति तस्वीर ही लाया जाए अब कुबेर भगवान जो है वो धन और संपन्नता के लिए उनकी पूजा होती है तो सबसे पहली बात तो धनतेरस का त्यौहार जो है वो इस बार बहुत ही तीन दुर्लभ शुभ संयोग में आया है भगवान धनवंतरी चूंकि इसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं कुबेर देव महाराज की भी पूजा होती है और माँ लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा होती है वैसे तो इस दिन बहुत सारे लोग मूल्यवान धातु के बर्तन आभूषण और दीपावली की पूजा में जितनी भी वस्तु होती है इसी दिन खरीदना पसंद करते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर खरीदनी चाहिए पूरे साल आपको धन का अभाव नहीं होगा एक खास उपाय कीजिएगा ताकि धन बढ़ता चला जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए सबसे पहली बात तो जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीदेंगे इस बार का जो शुभ मुहूर्त है शाम पाँच बजकर सैंतीस मिनट से रात आठ बजकर ग्यारह मिनट तक का है और जो वृषभ लग्न है वृषभ काल है वो शाम छः बजकर अठारह मिनट से रात आठ बजकर चौबीस मिनट तक रहेगा और धनतेरस का पूजन का मुहूर्त शाम छः बजकर अठारह मिनट से रात आठ बजकर चौदह मिनट तक रहेगा और पूजन के लिए आप इसी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं तो सबसे पहला आता है स्थान झाड़ू का झाड़ू तो आपको लाना ही है पुराना झाड़ू अभी मत फेंकिएगा दीपावली के अगले दिन जब आप लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी तब दरित्र को बाहर पुराने झाड़ू से ही पूरे घर में घूम घूम कर खट कर, करके बाहर कर, कर निकाल देंगे घर से बाहर और बोलिएगा कि लक्ष्मी आ चुकी है अब दरित्र आप यहाँ से जाइए तो ये वाला जो आपको झाड़ू है इसको जब लाइएगा खरीद कर तब इसका धनतेरस के दिन है इसके हैंडल में जहां आप हाथ से पकड़ती हैं इसमें एक सफ़ेद धागा या फिर लाल मौली धागा बांध दीजिएगा और थोड़ा सा पूजा पाठ कर ले संभव हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं सिर्फ आप धागा बांध दीजिएगा इतना ही काफ़ी है अब धनतेरस के दिन दूसरी जो सबसे शुभ वस्तु है जो आप लाना पसंद करेंगे वो है पीली कौड़ी तो पीली कौड़ी अगर आप लेकर आते हैं तो पूरे साल घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती पीला कौड़ी को माँ लक्ष्मी का जो एक, एक बहुत सबसे ज़्यादा पसंदीदा वस्तु माना गया है पीला कौड़ी माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है इसलिए इसको लाकर आप इसको पूजा स्थान पर रखिए पूजा पाठ कीजिए और फिर आप इसको सिंदूर में डालकर भी कौड़ी को अवस्थापित कर सकते हैं घर में या फिर आप जो दिया जलाएंगे उसमें जो मुख्य दिया होगा उसमें दीपावली की रात में आप कौड़ी या गोमती चक्र जरूर डाल दीजिएगा ये आपके पूरे साल के बरकत को बढ़ाएगा तो गोमती चक्र जो सेहत और सम्पन्नता के लिए धनतेरस के दिन लाया जाता है संभव हो तो 11 गोमती चक्र ही खरीदिएगा और धनतेरस पर गोमती चक्र को पीले वस्त्र में बांधकर अपने तिजोरी में या लॉकर में रख दें अगर 11 ना हो तो पांच ही ले लें एक भी ले लें या आप चाहें तो सिंदूर में कि डिब्बी में आप इसको डालकर भी रख सकते हैं बरकत बढ़ जाता है तो धनिया के बीज खरीदने की भी परंपरा है और धनिया खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है वैसे तो धनिया को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और पूजा में माँ लक्ष्मी को धनिया का बीज जरूर अर्पित करना चाहिए बाद में थोड़ा सा धनिया उठाकर अपनी तिजोरी में रखें और थोड़ा सा धनिया अपने घर के मिट्टी के गमले में बो दें उससे जो पेड़ निकलेगा वो बताएगा कि पूरे साल कितना धन आएगा आपके घर में कितनी संपन्नता आएगी कितना खुशियाँ आएगा कितना सुख आएगा तो झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है धनिया का बीज उनको पसंद है अब जैसे कि आप व्यवसायी हैं तो धनतेरस के दिन आप वही खाता जरूर खरीदिए इसकी पूजा दीपावली की रात कीजिएगा और फिर आप इसको यूज कीजिएगा वैसे तो आप पेन खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन अगर आप आ, कोई भी जो भी काम करते हैं अपने काम से व्यवसाय से संबंधित चीज़ें खरीद सकते हैं बच्चे भी अपनी किताब का इस दिन खरीद सकते हैं वैसे तो धनतेरस के दिन बर्तन लाने का विधान है बर्तन जो है अधिकतर आपको पता होगा कि धातु के ही बर्तन खरीदे जाते हैं तो पीतल के बर्तन खरीदिए और इसे खाली मत लाइएगा घर इसमें आप धान चावल जो भी पूजा का सामान होता है खील बतासे लड्डू है तमाम तरह की वस्तु तो आप खरीदते हैं इसमें भर कर लाइएगा खाली बर्तन भूल कर भी मत लाइएगा ना ही खाली रखिएगा घर में भरा हुआ रहने दें जो कि दीपावली के दिन यूज होगा तो धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं और सोने चांदी की अगर आप सोच रहे हैं लेना तो आप ले सकते हैं तो जो सोने का सिक्का खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी का चित्र अंकित हो चांदी का खरीदते हैं इसमें भी माँ लक्ष्मी का अंकित हो अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश तो आपके घर में पहले से जो सिक्का है उसी की पूजा कीजिएगा नहीं तो एक रुपये का जो कॉइन है उसी का पूजा कर लें और उसको संभाल के रखें खर्च ना करें तो जैसे कि पाँच का सिक्का पीतल का आता है इसको सोना का रूप मान के आप पूजा कर सकते हैं ठीक है ना तो इस तरह से आप माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं अपने तरीके से अब इस दिन आभूषण खरीदता है लेकिन देखिए सोना या चांदी का आभूषण तो आप खरीदिएगा पर आप आर्टिफिशियल आभूषण धनतेरस के दिन मत लीजिएगा आप घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से एक स्वस्तिक जरूर बना दीजिएगा सौभाग्य बढ़ता है धनतेरस के दिन धनतेरस के दिन जितना ज्यादा आप चाहते हैं कि जीवन में खुशियाँ आए परेशानियाँ कम हो उतना ही ज़्यादा आपको सुकून भरे लाइफ को जीने के लिए जो चीज़ें शुभता पैदा करती है उन चीज़ों को लाना चाहिए तो मुश्किलें कम होती है तो झाड़ू धनिया का बीज आप जो काम करते हैं उससे संबंधित चीज आप अगर जॉब भी करते हैं तो एक पेन खरीद लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप ले आ सकते हैं घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें पहले पूजा पाठ करके फिर उसके स्थान पर रखिएगा गोमती चक्र कौड़ी बर्तन सोने चांदी के सिक्के आभूषण ये सभी चीज़ें लाने की परंपरा है तो इन चीज़ों को लाइए और माँ लक्ष्मी आ रही हैं आपके घर तो उनके स्वागत की तैयारी कीजिए क्योंकि इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं पूरे साल फल देता है इसलिए इस दिन जरूर खरीदारी करें कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदें नहीं कुछ तो धनिया जरूर खरीदें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे